लोग कुछ करेंगे मारेंगे ये विचारों का ऑब्सेशन, यह केस स्टडी के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 32 साल का युवक मेरे पास में आया, पिछले 5 साल से उसको एक भय है, डर है। वो डर ऐसा है कि कोई बड़े लोग जो है, उम्र के बहुत बड़े, या कोई अधिकारी वर्ग है, अधिकारी कोई ऑफिस का है, या कोई मूंछ वाला ऐसा गुंडा जैसा लगता है, दिखता है वो व्यक्ति है, या कोई आमदार खासदार है, या कोई पॉलिटिकल पर्सन है कोई पार्टी का, तो उनका उसको डर लगता है, उसको लगता है ये कुछ तो भी करेंगे। ज़्यादा डर और उसमें पुलिस ऑफिसर का भी उसको लगता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर दिख गया, पुलिस भी दिख गया, उसको डर लगता है। और पिछले साल डेढ़ साल से उसको ऐसा हो गया कि अनजान या अननोन या बिना पहचान की महिला है, जब उसके सामने आती है तो उसको लगता है कि ये महिला को मालूम पड़ेगा कि मुझे ऐसा डर है और फिर वो मेरे तरफ देखेंगी, ऐसा उसको बार बार विचार आता है। मतलब हुआ क्या, ये चालू कैसे हुआ? तो 5 साल पहले उसने ऐसे कोई एक 5-6 लोगों की मीटिंग में एक तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ गलत बात कही कि वो वैसा है, उसके बारे में कुछ गलत बात। जो 5 लोगों में एक व्यक्ति जो बैठा हुआ था, वो व्यक्ति जाके उसको बोल दिया कि भाई तेरे बारे में ये लड़का ऐसा ऐसा बोल रहा था। जैसा उसको ये मालूम पड़ा तो ये आ गया झगड़ा करने के लिए उसके साथ में, और उसने उसकी कॉलर पकड़ी, मारने की कोशिश किया, लोगों ने उसको रोक दिया। फिर उसको डर लगा कि ये मारेगा, तो शाम को उसने पुलिस थाने में जाके ये व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। दूसरे दिन दोनों को पुलिस थाने बुलाया। पुलिस थाने बुलाने के बाद में आपसी उन्होंने समझौता करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके कंप्लेंट वापस ले ली। अब दोनों तो ठीक हो गए, दोनों अपने अपने घर चले गए, मगर उसका रास्ता अभी वो जो जिसको जिसके बारे में बुरा कहा था उसके दुकान से सामने से जा रहा है, वो दिख रहा है रोज। उसको लगता है कि ये मेरे को दिख रहा है, अभी ये मेरे को कुछ करेगा, ये कुछ तभी प्लान बनाएगा। हालांकि उसको मालूम है कि ये मेरे विचार है, हालांकि उसको मालूम है कुछ करने वाला नहीं है। वो खुद भी ये बोलता है कि वो इतना डरा हुआ था जब मैंने पुलिस कंप्लेंट किया कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मेरे को पैसे देने के लिए भी तैयार था, वो डर गया था, मगर अभी उसको लगता है कि ये कुछ तभी करेगा। और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते भी ऐसा गया कि अभी कोई भी व्यक्ति दिखा, एसोसिएशन उनका एसोसिएशन है उसका कोई व्यक्ति दिखा, फिर पॉलिटिकल व्यक्ति दिखा, कोई बड़ा अधिकारी दिखा, और स्पेशली पुलिस ऑफिसर दिख गए, तो उसको लगता है कि अभी ये कुछ तो भी करेगा। और बार बार विचार आते, बोले मेरा जीना हराम हो गया, मेरा धंधा आधे से भी कम हो गया, रोज धंधा करने जाता है वो, काम धंधा करता है, बच्चों के साथ में प्यार नहीं, घर में सेक्स लाइफ बर्बाद, इच्छा ही नहीं होती, पत्नी चिड़चिड़ करती है, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती, और विचार ये आता है कि लोग जो है वो मुझे कुछ तो भी कर देंगे। हालांकि उसको पता है कि कोई किसने कुछ किया नहीं अभी तक, सिर्फ उनको ऐसा, इसको देख के उनको ऐसा लगता होगा कि इसको कुछ तो भी प्रॉब्लम है और ये कमज़ोर है, और वो कमज़ोर है ऐसा उनको मालूम पड़ जाएगा या पड़ता होगा या वो सोचते होंगे, तो अब ये कमज़ोर है तो उसको कुछ तो भी करेंगे ये लोग, क्योंकि ये कमज़ोर है। ऐसा उसका थोड़ा इरेशनल थिंकिंग भी है। मुझे ऐसा लगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, हो सकता है कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, मगर पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था, क्योंकि वो काम कर रहा था, वो लक्षण उसको ऐसे डिल्यूजनल लेवल के लक्षण नहीं थे कि वो डिल्यूजन हम कह सकते उसको, ऐसे पक्के विचार नहीं थे। और वो विचार बोला कि बार बार विचार आते रहते, मतलब डर है, डर के विचार बार बार आते, और स्पेशली महिलाओं का भी जो विचार उसको उसके दिमाग में पिछले साल डेढ़ साल से आना शुरू हो गया था, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था महिलाओं के बीच में। कोई सफ़र करना है, कोई ट्रैवल करना है, यात्रा करना है, वहाँ कहीं महिलाएं दिख गई तो उसको प्रॉब्लम आता था, जो नॉन महिलाएं घर की तो उसमें प्रॉब्लम नहीं था उसको। तो ऐसा ये सब लेके वो बहुत परेशान होकर मेरे पास में आए। आने के बाद में उसको देखा कि भाई क्या हो रहा है, तो पता नहीं अभी उसको ऐसा जो हुआ उसको क्लियरली मालूम था, मतलब जो हुआ वो 5 साल पहले हुआ, अभी हो रहा क्या, अभी नहीं हो रहा, जो हुआ वो पास्ट में हुआ। अब उसने उसकी एक कहानी बना लिया, और वो इतने विचार एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इतने विचार उसके बदलते गए और एक के ऊपर एक ज़्यादा होते गए, हावी होते गए, कि उसको लगता अभी कि ये विचार, मतलब अभी वो विचार के अलावा उसको दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक बिजनेस कर रहा है, ऑटोमेटिक मतलब कोई दिमाग नहीं लग रहा बीच में, मतलब बिजनेस करने में ऑटोमेटिक, और वो विचार इतने ज़्यादा हो गए कि वो उसमें रहता है विचारों। उसको ने ठीक है अपन देखो ये जो है वो ऑब्सेशन जैसा ज़्यादा लगता है, उसको मैंने दवाइयाँ दिया जिससे ऑब्सेशन कम हो सकती, विचार कम हो जाएंगे,
और उसको उसके साथ साथ हिप्नोटिज्म हिप्नोथेरेपी देने के लिए मैंने सजेस्ट किया, नार्कोथेरेपी भी दिया, मतलब हिप्नोथेरेपी विथ नार्को एनालिसिस वो हम करेंगे मैंने बोला, और उसके साथ साथ काउंसिलिंग। तो ये सब धीरे 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 फायदा हो जाएगा। 5 साल की बीमारी है, ये मेरे पास भी कोई जादू नहीं कि भाई 5 दिन में ठीक हो जाएगी। वो आया था कि नहीं बस 2-4 दिन में रहूँगा यहाँ और ठीक होकर निकल जाऊँगा, ऐसा नहीं होता, टाइम लगेगा। धीरे 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 आराम से होऊंगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो पक्के ब्रेन पैटर्न्स बने हुए हैं, है ना, ब्रेन में पैटर्न्स जो बने हुए न्यूरोनल पैटर्न्स ऐसे पक्के बने हुए हैं कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। अब ये पैटर्न ही तोड़ना है, ब्रेन के पैटर्न्स ये तोड़ना है, तो उसको बार 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 अफर्मेशंस, बार 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 सजेशंस, बार 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 सुझाव, आत्म सुझाव देना, सेल्फ सजेशन देना, सम्मोहन की अवस्था में देना, विजुअलाइजेशन करना, सब बहुत करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आपका ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। उसने सब मान लिया। धीरे 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 उसको भी फर्क पड़ते जा रहा है, आता है वो रेगुलरली और उसको फायदा हो रहा है। तो ये वीडियो इसलिए आप शेयर करो ताकि काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, किसी ना किसी बात का उनको डर है। लोग हमारे पास में आते नहीं क्योंकि उनको लगता है कि हम क्या मेंटल हो गए, कि हम क्या पागल हो गए, क्या घूमते रहते इधर उधर, अच्छा इलाज होता नहीं है। लोगों में अवेयरनेस यदि हो जाएगा तो लोग अच्छा जीवन अपना जी सकेंगे। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हमारे मिशन में, हमारे विजन में आपकी भी पार्टनरशिप हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।